हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल टैली एनएसपी एफआईसीओ मॉड्यूल। आज की वीडियो में हम टैली पढ़ने वाले हैं। टैली में हम आज एक कुछ इंटरेस्टिंग सीखेंगे कि हम ये जो बटन्स होते हैं साइड में, आप जो देख रहे हैं बटन, ये आप अपने बटन्स, लाइक मुझे अपने कुछ बटन्स यहाँ पर ऐड करने हैं, तो वो कैसे हम ऐड करेंगे, तो वो आज हम टैली में सीखेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट जब हम टैली इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, तो हम अपने बटन यहाँ पर लगाने चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले मेरी फाइल है, हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ये मैंने कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रोग्राम में क्या लिखा है, सबसे पहले ब्रैकेट है, हैश टैग्स मेन्यू गेटवे ऑफ टैली, ये लिखना जरूरी है बिकॉज सारा काम हम गेटवे ऑफ टैली में करते हैं। ठीक है, मेन्यू हमारा गेटवे ऑफ टैली है। बटन, बटन दो बटन मैंने यहाँ पर बनाए हैं, एक है बीएसडीआई बटन का नाम और एक का नाम दिया है जीएसटी। ठीक है, तो पहला बटन लेंगे बटन कॉलन बीएस, उस बटन का टाइटल जो होगा वो क्या है, बैलेंस शीट की कंट्रोल प्लस बीस की शॉर्टकट की, और एक्शन क्या करेगा, एक्शन कॉलन डिस्प्ले बैलेंस शीट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले हम इस फाइल को राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी में जाएंगे, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, कॉपी। कॉपी करने के बाद टैली में आएंगे, टैली ओपन करेंगे, यहाँ F4 प्रेस करेंगे, यहाँ कर देंगे ऑल्ट कंट्रोल V, एंटर एंटर एंटर। जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हो आप, वो दो बटन आ गए साइड में, बैलेंस शीट एंड जीएसटी पोर्टल, देखिए दो ही यहाँ पर एड है, बटन दो है, एक तो बैलेंस शीट का एक जीएसटी पोर्टल का है। तो सबसे पहले बटन भी है, टाइटल बैलेंस शीट आ रहा है, यहाँ पर देखिए टाइटल क्या आ रहा है, बैलेंस शीट। उसके बाद क्या आ रही है, की, की क्या है, कंट्रोल प्लस बी, की क्या है, कंट्रोल, दो लाइन का मतलब होता है कंट्रोल, सिंगल का होता है ऑल्ट, तो कंट्रोल प्लस बी। उसके बाद एक्शन क्या करेगा, डिस्प्ले बैलेंस शीट। तो अब मैं जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये बैलेंस शीट ओपन करके देगा, देखिए इसका एक्शन मैंने क्या दिया है कि जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करें तो वो क्या खुले, बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसे ही दूसरा बटन बनाया मैंने जीएसटी, जीएसटी ओपन करने के लिए, जीएसटी का पोर्टल टाइटल जीएसटी पोर्टल, देखिए टाइटल क्या है, जीएसटी पोर्टल, इसकी शॉर्टकट की क्या रखी है मैंने की F5, कि अगर मैं F5 भी प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, जीएसटी पोर्टल ओपन हो जाएगा। एक्शन क्या दिया है, ब्राउज करें URL, ब्राउज URL करें, कौन सी साइट URL करें, www.gst.gov.in। तो देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो GST की साइट ओपन हो जाएगी, और F5 भी प्रेस करूंगा तब भी देखिए, क्योंकि इसकी शॉर्टकट की क्या मैंने दी है, F5। अब हम कुछ और यहाँ पर मैं ऐड करके दिखाता हूँ आपको, लाइक मुझे डे बुक भी देखनी है साथ में, तो मैं कोमा करके एक बटन ऐड करता हूँ DB। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा इसलिए मैंने कॉपी किया है। यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर मैं जो बटन का नाम दूंगा वो दिया है मैंने DB, क्योंकि ऊपर मैंने क्या नाम दिया, DB। ठीक है, बटन का नाम DB है, तो यहाँ भी मुझे बटन का नाम DB देना पड़ेगा। टाइटल, जो टाइटल शो करेगा वो क्या शो करेगा, डे बुक। ठीक है, की क्या होगी इसकी, इसकी की हम रखते हैं सपोज ऑल्ट प्लस बी, ऑल्ट प्लस बी मैंने रखी है डे बुक की, या डी रख देते हैं, डे बुक की डी सही आएगी, ऑल्ट प्लस डी। एक्शन क्या करेगा, डी, यहाँ पर हम एक्शन यहाँ से चेंज कर देते हैं डे बुक। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से क्या करा, इसको सेव, सेव करने के बाद हम टैली में आएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस TDL को दोबारा से रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए बैलेंस शीट के बाद एक डे बुक ऐड हो गई है, सिंगल लाइन मतलब ऑल्ट है, तो जैसे ही प्रेस करूंगा ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने डे बुक करना है हमको। ठीक है, डे बुक एक भी रह गया था हमारा, तो इसको सेव कर देंगे। अब इसको दोबारा से रिफ्रेश करेंगे TDL को,
अब देखिए डेबुक आ रहा है, जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो हमारी क्या हो गई, डेबुक ओपन हो गई। यहाँ से क्या हो रही है, बैलेंस शीट, यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, जीएसटी पोर्टल। अब हम कुछ बाहर का ऐड करते हैं, लाइक कुछ यूआरएल, तो हमने इस एक बटन और बनाया, कोमा, हमने बनाया गूगल, हमें गूगल खोलना है टैली से, तो हमने गूगल का बटन ऐड किया और यहाँ से क्या करा, इसको हमने कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ बटन का नाम क्या दिया हमने, गूगल, ठीक है। इसका टाइटल क्या आएगा, गूगल सर्च। इसकी की क्या कर दी मैंने, की का ना की रख दी F6, और एक्शन करें ब्राउज यूआरएल। गूगल की साइट क्या होती है, गूगल .co.in, ठीक है। तो ये हमने कर दिए, इसका इसको सेव कर देंगे। अब यहां पर आए टैली में, दोबारा से हम इसको टीडीएल को रिफ्रेश करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या आ गया, गूगल सर्च। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा गूगल ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर जीमेल भी अपनी जीमेल एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ कोमा लगाइए, यहाँ पर एक बटन ऐड कर दीजिए जीमेल, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, एक बटन यहाँ से करके एंटर करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ लिख देंगे बटन का नाम, बटन क्या बनाया मैंने, जीमेल, और यहाँ हमने नाम रख दिया गो टू जीमेल। टाइटल क्या लिखा आएगा, जीमेल, इसकी शॉर्टकट की रख दी F7, और इसको हमने यहाँ से चेंज कर दिया gmail.com, और यहाँ से इसको हटा दिया। अब इसको सेव कर दिया, टैली में आएंगे, दोबारा से हम इसको रिलोड करेंगे, ठीक है। अब देखिए F7 जीमेल आ रहा है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी जीमेल ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी बटन को एज पर रिक्वायरमेंट हम इस तरह की प्रोग्रामिंग करके ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपको ये फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। वैसे आप खुद बनाइए इसको, बिकॉज बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, आप देख सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।